हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉक्सपेक्स, सेवलाय और चेसनॉट की टीम को जो ऑसम नेगी ने यूज़ की एक्सपर्ट हिट करने के लिए। ऑसम नेगी बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस बैटलर है, हमारी इंडियन कम्युनिटी के बहुत ही बार लीडर बोर्ड और लेजेंड रैंक हिट कर चुके हैं। यहाँ पर हम शुरुआत में एक 5-4-1 देखेंगे जो उन्हें एक्सपर्ट हिट करवा देता है, और बाद में थोड़ी सी लॉसेस देखेंगे जो उन्हें मिली अपने एक्सपर्ट रन के बीच में, जो टफ बैटल्स, ये देखने के लिए कि बेसिकली रैंक हिट करने में कितनी परेशानी होती है, बस ये देखने के लिए। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं एक्सपर्ट रन और उसके बाद देखेंगे बैटल्स। तो पहली बैटल यहाँ पर है टॉक्सपेक्स वर्सेस नॉकटॉल। तो इस टीम की बेसिकली ये टीम इस तरीके से वर्क करती है कि टॉक्सपेक्स लीड पर है और नॉकटॉल को हराने के लिए, और उसके बाद हमारे पास सेवलाय और चेसनॉट बैक में जो नॉकटॉल से हारते हैं। तो हमें यहाँ पर ये एबीबी टीम है, हमें यहाँ पर सेवलाय स्विच करके नॉकटॉल बेट करवाना है। यहाँ पर हमें नॉकटॉल पहले ही मिल गया, अपोनेंट ने स्विच कर लिया। लैंटर्न में हम लेंगे अपना चेसनॉट और ये मूव शील्ड नो शील्ड करेंगे, लैंटर्न के सारे मूव्स रेजिस्ट करते हैं, अगर शील्ड करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट और ये एक फ्रेंजी प्लांट क्यों कर देगा लैंटर्न को, लेकिन यहाँ पर हमारा चेसनॉट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देखते हैं, ओके चेसनॉट ने केओ कर दिया नॉकटॉल को और हम एक और फ्रेंजी प्लांट तक पहुँच गए। ये फ्रेंजी प्लांट शील्ड फोर्स करेगा मेडिचैम से, अपोनेंट ने शील्ड नहीं किया, हम स्विच कर लेंगे अपने टॉक्सपेक्स में, फार्म नहीं देंगे चेसनॉट पर और थ्रो करेंगे स्लज वेव। हमें मिल गई एक शील्ड और उसके बाद अब अपोनेंट बस तो बस हमारा सेवलाय देखना है और वो सरेंडर कर देगा बेसिकली, क्योंकि सेवलाय हराता है मेडिचैम को। हम थ्रो करेंगे ब्राइन थोड़ा सा चिप डैमेज देने के लिए और अपोनेंट ने शील्ड कर लिया, हम ले आएंगे अपना सेवलाय और अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया। जी जी तो ऊपरी लेवल के प्लेयर्स में अगर ऊपर लेवल एक्सपर्ट लेवल के प्लेयर्स जो होते हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पर अब जीतने का कोई चांस नहीं रहा, तो उस टाइम पर वो सरेंडर कर देते, लेकिन जब तक कोई एक भी चांस होता है जीतने का तब तक वो सरेंडर नहीं करते। तो यहाँ पर है टॉक्सपेक्स वर्सेस ट्रेवेनेंट, यहाँ पर हम थ्रो कर सकते हैं स्लज वेव और स्विच आउट कर सकते हैं अपने सेवलाय में और फार्म कर लिया ट्रेवेनेंट को। अपोनेंट वापस ले आएगा अजूमेरिल और यहाँ पर हम थ्रो करेंगे रिटर्न, लेकिन अपोनेंट मूव तक पहुँच गया तो हम यहाँ पर शील्ड कर सकते हैं क्योंकि प्लेयर ऑफ बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है और सेवलाय के पास अभी इतनी हेल्थ और इतनी एनर्जी है कि ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएगा। थ्रो करेंगे रिटर्न, अपोनेंट ने शील्ड कर लिया और अब अजूमेरिल एक रिटर्न की रेंज में आ चुकी है और हम रिटर्न तक पहले पहुँच गए अब अजूमेरिल के अगेंस्ट। थ्रो करेंगे रिटर्न और इसके बाद हम नो शील कर देंगे इस मूव को और टॉक्सप वो चेसनॉट लाके फार्म कर सकते हैं। अपोनेंट का फाइनल पोकेमोन है सेवलाय, थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट और ये डिसेंट डैमेज दे देता है, एक फ्रेंजी प्लांट और वाइन व्हिप डैमेज केओ कर देंगे सेवलाय को, शील कर लेंगे इस मूव को क्योंकि रिटर्न हो सकता है, और उसके बाद थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट जो केओ कर देगा इस सेवलाय को। जीजी टू दी अपोनेंट अब, और चलते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। वो वैसे शाइनी सेवल आया था, तो नेक्स्ट बैटल है अभिरूप के अगेंस्ट। ये जब मैंने पहली बार लेजेंड हिट किया था तब इन्होंने लगभग शुरुआत के 1.5 महीने में ही लेजेंड हिट कर दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लेजेंड। और यहाँ पर हम उन्हीं से बैटल करते हैं, तो यहाँ पर है सेवलाय वर्सेस रेजिसील, हमने स्विच कर लिया, हमें अच्छी लीड नहीं मिली थी। हम थ्रो करेंगे पावर प्ले और कोशिश करेंगे कि ये स्विच मैचअप जीत जाए क्योंकि हमारे चेसनॉट के लिए वो मैचअप बहुत ही अच्छा था। हम दोबारा शील्ड कर लेंगे, मुझे लग रहा है हाँ हम दोबारा शील्ड कर लेंगे और उसके बाद थ्रो करेंगे पावर प्ले। अपोनेंट ने स्विच कर लिया बास्केलॉन में, तो ये मैचअप हमारे चेसनॉट के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारा सेवलाय पसंद नहीं करता क्योंकि अपोनेंट स्विच लॉक्ड है, इस वजह से हम भी स्विच कर लेंगे अपने चेसनॉट में। और यहाँ पर आ गया फ्लेम थ्रो, डिसेंट डैमेज दे दिया। यहाँ पर हम थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट, नेगी डीबफ नहीं लेना चाहते हैं डिफेंस डीबफ, मैं उनकी जगह होता तो सुपर पावर ही थ्रो कर देता। थ्रो करेंगे तो एक सुपर पावर यहाँ पर और ये केओ कर देगा बास्टिरॉन को। अपोनेंट ले आया मेडिचैम, हम थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट, पहुँच गए इस मूव तक जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद अपना सेवलाय ला सकते हैं, अपोनेंट ले आया रजिस्टील, थ्रो करेंगे फाउल प्ले और अगला फाउल प्ले केओ कर देगा। हमने कैच करने की कोशिश की एक मूव को और कैच नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अपोनेंट को थ्रो करना पड़ेगा और हमें डिफेंस डीबफ मिल गया। यहाँ पर ब्राइन केओ कर देगा इस रेंज से, तो देखते हैं अपोनेंट क्या डिसाइड करता है। हम थ्रो करेंगे ब्राइन, ये केओ कर देगा इस रजिस्टील को, लेकिन
हम यहाँ पर फार्म करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अपोनेंट हमारे टॉक्स ओपेक्स को क्यों कर दे, क्योंकि वरना अपोनेंट को अननेसेसरी एनर्जी मिल जाएगी। हमारे पास एक मूव रेडी है और इसके बाद हमारी स्विच क्लॉक भी वापस आ जाएगी, जो जिसके बाद हम फार्म कर सकते हैं इस मेडिचैम को। यहाँ पर मेडिचैम एक मूव तक पहुँच गई, आइस पंच, स्ट्राइक, एक डायनेमिक पंच, पावर पंच, कोई भी क्यों नहीं करेगा। सेवलाई को इस रेंज से कोई सा भी मूव और हम फार्म कर लेंगे इस मेडिचैम को। जी जी नेक्स्ट बैटल जिसमें है टॉक्सोपेक्स वर्सेस नाइनटेल्स, तो ये मैचअप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अपोनेंट स्टेन कर रहा है। अब ये है एक्सपर्ट्स के प्लेयर और उन्होंने शायद टीम रीड करने की कोशिश की, इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी नाइनटेल्स सेक कर रहे हैं। होप कर रहे होंगे कि उनकी बैकलाइन हमारी बैकलाइन को हरा दे, उनकी टीम शायद ए बी ए भी हो सकती है। और अब स्विच कर लिया तो ये प्ले मुझे समझ नहीं आ रहा है बेसिकली जो अपोनेंट कर रहा है, क्योंकि या तो सैक करो या शुरुआत में ही शुरू स्विच आउट कर जाओ, ये बीच में सजा आउट क्या मतलब है। यहाँ पर हम ले आएंगे सेवलाई और सेवलाई से क्यों कर देंगे मेडिसिन को। अपोनेंट ले आए नाइन टेल्स, हम फार्म कर लेंगे नाइन टेल्स को और उसके बाद थ्रो करेंगे ये फाउल प्ले। और उसके बाद हमारा चेस नॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बास्टियोरन के अगेंस्ट, हम अपना बास्टियोरन दिखा देंगे और जीत जाएंगे। बास्टियोरन बहुत ही हम अपना चेस्ट दिखा देंगे और जीत जाएंगे। बेसिकली हम नोशील कर देंगे पहला मूव, फ्लेम थ्रोअर ज़्यादा डैमेज नहीं देता है, हम सर्वाइव कर जाएंगे। और अब हम सारे मूव्स बास्टियोरन के शील कर सकते हैं और पता नहीं अपोनेंट ने क्या किया। जी या शुरुआत में ही सुझाव कर जाना चाहिए था या सैक कर देना चाहिए था, दोनों ही नहीं किए। नेक्स्ट बैटल जिसमें टॉक्सोपेक्स वर्सेस ट्रेवेनेंट, ये हमारे लिए न्यूट्रल मैचअप है। यहाँ पर मैं नॉर्मली स्लग वेव थ्रो करते हैं और ट्रेवेनेंट यूजर्स नो शील्ड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अपोनेंट क्या डिसाइड करता है। नॉर्मली नो शील्ड करते हैं लेकिन अपोनेंट ने शील्ड कर लिया। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक और स्लज वेव तक पहुँच जाए, लेकिन हमें ब्लाइंड थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेवेनेंट एक मूव पर है और हमने कैच कर लिया है एक मूव जो कि हो सकता है सीड बॉम्ब अपने सेव लाए पर। अपोनेंट ले आया अजूमेरिल और हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी कॉल अजूमेरिल सेव करने की, बेसिकली नेगी की तरफ से अच्छी कॉल क्योंकि इस टाइम पर मैं सो रहा था। यहाँ पर तो अपोनेंट ने थ्रो कर दिया आइस बीम और उसके बाद हम ला सकते हैं अपना टॉक्सोपेक्स और फार्म कर सकते हैं इस अजूमेरिल को। अगर फार्म नहीं कर पाए तो यहाँ पर एनर्जी टॉक्सोपेक्स पर अगर अपोनेंट थ्रो कर दे, ये भी बहुत ही अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि अब हम अपने चेस्ट नॉट से फार्म कर सकते हैं और स्वीप कर सकते हैं ये गेम। अपोनेंट ले आया ट्रेवेनेंट, हम शील्ड कर लेंगे इस मूव को क्योंकि शेडो बॉल हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है। और अपोनेंट का फाइनल पोकेमोन है टोगेडमारू, थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट और इसके बाद एक सुपर पावर क्यों कर देगा। फ्रेंजी प्लांट से हमें शील्ड मिल गई, थ्रो करेंगे ये सुपर पावर और ये इस सेट के साथ ही हमने हिट कर दिया एक्सपर्ट इस विन के साथ। ये विन भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी, यहाँ पर हमें मिल गया एक 5 ओ वाव हम और ये लिकिटन इनकाउंटर और उसके बाद अब हम ये हिट हो गया एक्सपर्ट। तो अब हम चलते हैं उन बैटल्स की तरफ जो हमें इसी टीम के साथ देखने को मिली जो कि बुरे मैचअप्स थे, ये दिखाने ज़्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि कोई सी भी टीम 100% विंस नहीं दे सकती और क्या कहते हैं और थोड़े से ही पॉजिटिव स्टेट्स चाहिए एक रैंक हिट करने के लिए बेसिकली। अगर बस 15 और चला गया बूम ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट मिल जाते हैं और कोई सी भी रैंक हिट कर जाओ वेटरन से एक्सपर्ट क्या इतना होगा अगर 15 और मिल जाए एक अच्छा एक टीम के साथ 15 और, उसके बाद भले ही टीम बेकार चली जाए। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, हमारे साथ हमें भी बहुत मतलब नेगेटिव सेट्स मिले लेकिन बाद में उस एक 5-0 ने हमें एक्सपर्ट हिट करवा दिया। तो इस टीम की थोड़ी सी वीकनेस दिखाना भी जरूरी है देखने के लिए कि ये टीम उसके अगेंस्ट क्या करेगी और अगर आप लोगों को मिले तो आपको क्या करना है। बेसिकली अगर आपको कुछ इनमें से कुछ टीम्स मिले तो आप सीधा सर पूरे एंड तक कोशिश करो कि शायद जीत सकते हो, क्योंकि अभी ग्रेट लीग में लोग इस तरीके के पोकेमोन चला रहे हैं, ए बी ए टीम्स चला रहे हैं जहां पर हम जीत सकते हैं। और बैक में भले ही आपने प्रेडिक्ट कर रखा हो कि ये पोकेमोन होगा लेकिन आपको ऐसा पोकेमोन दिखेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हो सकता है, तो हमेशा चांस रहता है जीतने का
पूरा एंड तक इसी वजह से खेलना चाहिए। आपने अगर प्रेडिक्ट कर रखा है कि आपका फाइनल पोकेमोन है जैसे चेस्नट, और आपने प्रेडिक्ट कर रखा है कि पीछे होगा एक स्कारमरी या नॉकटाउल, लेकिन आपको फिर अगर आप खेलते हो और आपको एंड में मिल जाता है स्वैम्पर्ट, तो आपके मज़े आ जाते हैं। तो इसी तरीके से तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार मेरे साथ हो चुकी है, बहुत सारे अलग बाकी ट्रेनर्स के साथ भी हो चुकी होंगी। तो डेफिनेटली एंड तक खेलना ज़्यादा सही रहता है, खास करके तब जब आप लेजेंड के लिए पुश कर रहे होते हो, तब हर विन जरूरी होती है, तो एंड तक खेलना पड़ता है तब तक जब तक ये ना पता चले कि हाँ अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हार गए। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके के बैटल देखेंगे, थ्रो करेंगे। यहाँ पर ब्रायन टॉक्सपेक्स मैचअप जीत जाता है अब नीडोक्वीन के अगेंस्ट, जब से वो जब से डीबफ मिला है नीडोक्वीन को, लेकिन वो डीबफ फर्क भी नहीं पड़ता, वो पॉइजन फैंग पे है और पावर पे नहीं है। यहाँ पर अपोनेंट ले आया मेडिचैम, हम ले आएंगे सेबलाए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैचअप है। यहाँ पर हम एक फाउल प्ले थ्रो करके क्यों कर सकते हैं, अपोनेंट ने स्विच कर लिया अजू मेडल में, हम ले आएंगे अपना चेस्टनॉट। यहाँ पर फ्रेंजी प्लांट बहुत ही ज़्यादा डैमेज देंगे, हम शील्ड कर लेंगे इस मूव को, आइस बीम हो सकता था लेकिन अपोनेंट ने प्ले रफ मारा। प्ले रफ और भी ज़्यादा एनर्जी लेता है, तो इसका मतलब है कि अपोनेंट के पास आइस बीम है ही नहीं, हम फार्म कर लेंगे इस अजू मेडल को, थ्रो करेंगे फ्रेंजी प्लांट। ये मेडिचैम एक फ्रेंजी प्लांट की रेंज में है, केओ कर दिया मेडिचैम को, जी जी। नेक्स्ट बैटल जिसमें है स्वैम्पर्ट टॉक्सपेक्स वर्सेस स्वैम्पर्ट, बहुत ही बुरा मैचअप है, इसी वजह से हम स्विच आउट कर जाएंगे अपने सेव लाइन में। अपोनेंट ले आया नॉकडाउन, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि हमें नॉकडाउन वैसे भी बेट आउट करवाना था। यहाँ पर हम शील्ड कर लेंगे, ओके नो शील्ड कर देंगे, सर्वाइव कर जाएंगे और उसके बाद हम रिटर्न तक पहुँच सकते थे, इसी वजह से अपोनेंट ने थ्रो कर दिया मूव राइट अवे। हम शील्ड कर लेंगे और उसके बाद बेट करेंगे फाउल प्ले के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपोनेंट शील्ड कर जाएगा और हम थ्रो करेंगे एक और फाउल प्ले, ये चिप डैमेज दे देगा और जिससे हम बाद में अपने टॉक्सपेक्स से फार्म कर पाए। हम ले आएंगे टॉक्सपेक्स, अपोनेंट ने स्विच कर दिया स्टन फिस्क में और अपोनेंट के पास है डबल ग्राउंड टीम, अपोनेंट के पास अब स्टन फिस्क और स्वैम्पर्ट बचे हुए हैं, तो ये मैचअप बहुत ही रफ लग रहा है। इस मैचअप में हमारा चेस्टनॉट विन दिला सकता है, लेकिन अपोनेंट ने सेव कर रखा है अपना स्काम तो शायद चला गया, अपोनेंट ने तीनों पोकेमॉन सेव कर रखे। हम स्विच कर लेंगे अपने चेस्टनॉट में और यहाँ पर जाने देंगे ये मूव। चेस्टनॉट सारे मूव्स रेजिस्ट करता है स्टन फिस्क के, और उसके बाद हम फार्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया रॉक स्लाइड, डिसेंट डैमेज दे रहा है, हाँ नॉकटॉल अपोनेंट ने नॉकटॉल बचा लिया, ये हमारे लिए टफ है क्योंकि यहाँ पर डबल सुपर इफेक्टिव डैमेज तो विंग अटैक से ही ले रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एडअप हो रहे हैं विंग अटैक्स। थ्रो कर दिया फ्रेंजी प्लांट के होने के लिए, लेकिन अब हमारा चेस्टनॉट आ चुका है एक हाइट दो कैनन रेंज में, और अपोनेंट के पास शील्ड्स भी हैं अपने स्वैम्पर्ट को बचाने के लिए। हमने कर लिया एक बहुत ही अच्छा कैच, लेकिन यहाँ पर अपोनेंट ने बहुत ही अच्छा अंडर चार्ज कर दिया, फार्म कर लेगा हमारे टॉक्सपेक्स को और फिर थ्रो कर सकता है हाइट दो कैनन हमारे चेस्टनॉट पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ रहेगा। हमारे पास मूव रेडी नहीं है, अपोनेंट ने थ्रो कर दिया अर्थक्वेक, क्यों कर दिया हमारे चेस्टनॉट को और जीत गया गेम। नेक्स्ट बैटल जिसमें है टॉक्सपेक्स वर्सेस सेबलाइट, तो बहुत ही बुरी लीड, ये भी लीड आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम थ्रो कर सकते हैं ब्राइन, और ये न्यूट्रल डैमेज देता है टॉक्सपेक्स सेबलाइट के लिए। ये मैचअप बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो पॉइजन जैब डैमेज रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर भी टॉक्सपेक्स इस मैचअप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर देता है। हम थ्रो करेंगे एक और ब्रायन, ये डिसेंट डैमेज देगा। वैसे मैं ये बताना भूल गया, इस टीम के साथ मैंने भी 200 इलो गेन कर लिया है अपने अकाउंट में, तो यह टीम डिसेंट है, यूज़ कर सकते हो आप डेफिनेटली। यहाँ पर हम ले आएंगे अपना चेस्टनॉट, फार्म कर लेंगे सेबलाई को, अपोनेंट ले आया टॉक्सिक रोक। यहाँ पर टॉक्सिक रोक हमारी टीम के लिए टफ है क्योंकि वो हराता है टॉक्सपेक्स को और चेस्टनॉट को, स्लज चेस्टनॉट के मूव्स सारे रेजिस्टेड डैमेज देते हैं टॉक्सपेक्स और टॉक्सिक रोक को। अपोनेंट का फाइनल पोकेमॉन है वॉल्रिन और हमारा सेबलाई उसी के अगेंस्ट अलाइन है। असल में हमें अलाइनमेंट चाहिए थी सेबलाई इनटू टॉक्सिक रोक, लेकिन यहाँ पर हमें गलत अलाइनमेंट मिल गई। हम शील्ड कर लेंगे इस मूव को, हम डबल शील्ड कर लेंगे और फार्म कर देंगे इस वॉल्रिन को, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ये मैचअप जीतने के लिए। अपोनेंट ले आया टॉक्सिक रोक, हम थ्रो करेंगे फॉल प्ले, शायद अपोनेंट शील्ड कर ले क्योंकि ये रिटर्न भी हो सकता है, और हम ले आएंगे अपना चेस्टनॉट। और अपोनेंट ने हमारे मूव थ्रो करने से पहले ही मूव थ्रो कर दिया, ज़्यादा
स्लज बॉम्ब होगा, और उसके बाद हमारे सेवलाई के पास इनफ एचपी नहीं है कि वो एक रिटर्न तक पहुंच जाए, और ये हो जाएगा गुड गेम हमारे लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ, जिसमें है टॉक्सअपेक्स वर्सेस नीडोक्वीन। तो ये मैचअप टॉक्सअपेक्स जीत सकता है, क्योंकि टॉक्सअपेक्स अपने दूसरे ब्राइन पर नीडोक्वीन के दूसरे अर्थक्विक से पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अपोनेंट ने बेट कर दिया और हमने बहुत ही अच्छा कॉल कर लिया, थ्रो करेंगे ब्राइन और उसके बाद हम एक और अगले ब्राइन तक इस नीडोक्वीन से पहले पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम नोशील कर देंगे इस मूव को, कॉल कर रहे थे कि अपोनेंट डबल बेट करेगा, जो कि उसने किया। हमारे लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन, हम थ्रो करेंगे ब्राइन और ये ले लेगा पहली शील्ड, और यहाँ पर हम भी शील्ड कर लेंगे। ओके, हम शील्ड नहीं करेंगे और देखते हैं अपोनेंट ने क्या। अपोनेंट ने तीसरी बार वेट कर दिया, वाव। हम थ्रो करेंगे ब्राइन, ये या तो फाइनल शील्ड ले लेगा या क्या होगा देगा नीडोक्वीन को। अपोनेंट ने यूज़ कर लिया अपनी फाइनल शील्ड, हम ले आएंगे सेबलाई। हमें लग रहा है ये पॉइजन फैंग होगा जो कि था, रेजिस्टेड डैमेज दिया, और अब अपोनेंट का सेकंड पोकेमॉन है अम्ब्रियन और फाइनल पोकेमॉन है नाइनटेल्स, पाउडर स्नो नाइनटेल्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि चार नाइनटेल्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता हराने के लिए। यहाँ पर हम दो शील्ड कर सकते हैं, अपने चेस्टनॉट को फार्म कर सकते हैं इस नाइनटेल्स को, और थ्रो कर सकते हैं मल्टीपल मूव्स उस अम्ब्रियन पर। लेकिन यहाँ पर नेगी डिसाइड करते हैं मूव राइट अवे थ्रो करेंगे, क्योंकि नाइनटेल्स ने अपने मूव थ्रो नहीं किए, तो हमारे पास एक शील्ड एडवांटेज है अम्ब्रियन के अगेंस्ट। शील्ड कर लेंगे इस मूव को, साइकिक हो सकता है, लेकिन अपोनेंट ने फाउल प्लेयर थ्रो किया, और अब हम थ्रो कर सकते हैं डबल सुपर पावर, स्विच कर लेंगे अपने सेबलाई में। और ओके, पहला सुपर पावर थ्रो करेंगे और स्विच कर लेंगे अपने सेबलाई में। सेबलाई यहाँ पर दो फाउल प्ले इस हेल्थ रेंज से सर्वाइव कर सकता है, थ्रो करेंगे रिटर्न और ये KO कर देगा इस अम्ब्रियन को। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, यही थी फाइनल बैटल। अगर आपको टीम अच्छी लगी हो डेफिनेटली यूज़ करना, क्योंकि इस टीम के साथ बहुत सारे लोग बहुत सारा ही लोग गेन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छी टीम रहेगी। और मिलते हैं अगले बैटल में, अगले वीडियो में और भी बैटल्स के साथ, जो कि होगी ड्रैगन एम्परर की केलब पेंगलाइन। सो मिलते हैं उस बैटल में, बाय।